अलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते होंगे बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपना बिल्कुल ख्याल रख रहे होंगे। लेकर आ गई हूँ एक और दराज शॉपिंग हॉल से रिलेटेड वीडियो, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है। बहुत ही ज़्यादा अच्छे कुछ मेकअप और ब्यूटी टूल्स के कुछ प्रोडक्ट्स लेकर आई हूँ आपके लिए, जिनके मैं प्राइजेस भी बताऊँगी, क्वालिटी भी बताऊँगी और ऑथेंटिक लिंक्स भी आपको हर प्रोडक्ट का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वीडियो के, तो लाजमी चेक कीजिएगा। वीडियो का कोई पार्ट स्किप नहीं करना है, हर चीज़ मैंने बहुत डिटेल से आपको दिखानी है, बतानी है और समझानी है। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। प्रीवियस वीडियोस के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ओके जनाब, तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और सबसे पहला पार्सल है ये वाला और इसमें मैं बताती हूँ कि क्या है। अच्छा, इसके अंदर जो ये बॉक्स है इसको देख के मुझे अंदाजा हो गया है कि ये क्या है। मैंने एक लिपस्टिक बॉक्स ऑर्डर किया था जिसके अंदर थी 12 लिपस्टिक्स और ये काफी अच्छी पैकेजिंग में मुझे रिसीव हुआ, बबल रैप हुआ हुआ था और पैकेजिंग तो अच्छी थी। लेकिन जब इतनी अच्छी पैकेजिंग होती है तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि चीज भी अंदर से अच्छी ही निकलेगी। लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट जब इसको खोल कर देखा तो ये देखें इसका ये हाल था। मोस्टली लिपस्टिक्स जो हैं वो डैमेज्ड थी, जिनके रोटेटर्स खराब थे, कंटेनर्स इनके टूटे हुए थे और बहुत ज्यादा स्क्रैचेस पड़े हुए थे। शेड्स मैं आपको दिखा देती हूँ इनके वन बाय वन और इनकी कंडीशन भी आप देखें कुछ इस तरह की थी। कुछ शेड्स जो हैं इसमें मुझे अच्छे लगे थे और कुछ शेड्स मेरे मतलब के नहीं थे। इनके स्वॉच भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। लिपस्टिक स्वॉच करने में ठीक थी, एवरेज थी, लेकिन इनके कंटेनर्स ऐसा लग रहा था कि बहुत यूज्ड है और डैमेज्ड है, स्क्रैचेस भी थे और रोटेटर्स जो है वो बहुत ज्यादा खराब थे। ये लिपस्टिक्स का जो ये बॉक्स था आई थिंक ये मुझे 600 या 700 रुपए का पड़ा था, लेकिन 600 या 700 रुपीज भी बहुत होते हैं आजकल महंगाई के दौर में, तो मेरे ये जो पैसे थे ये बिल्कुल वेस्ट गए हैं। तो आई वोंट रेकमेंड दिस सेलर, इससे तो आपने बिल्कुल भी नहीं लेना है। लेकिन फिर भी मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, यहाँ से आपने बिल्कुल भी बाय नहीं करना है। बेकार लिपस्टिक्स थी, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। ऐसे रिटर्न का भी ऑप्शन है दराज पर, अगर आपको कोई चीज डैमेज मिलती है तो फिर आप क्लेम कर सकते हैं रिटर्न का। रिटर्न जब करते हैं प्रोडक्ट, कैश जो है आपके वॉलेट में आपको मिल जाता है, दराज वॉलेट के अंदर आपका कैश वापस आ जाता है। ओके जनाब, देखते हैं नेक्स्ट पार्सल के अंदर क्या है। इसके अंदर कोई छोटी सी चीज है और यस, ये एक है लिक्विड ब्लश जो कि आजकल बहुत ही ज्यादा वायरल है, ये बहुत ही ज्यादा आजकल ट्रेंड में है। इस तरह के ट्यूब फॉर्म में लिक्विड ब्लशेस, क्रीम लिक्विड ब्लशेस होते हैं ये, और इसका ये शेड है थोड़ा सा पीच कलर का, ये शेड है। इसके अंदर पिंक्स भी अवेलेबल हैं, पीच भी अवेलेबल हैं, शेड्स काफी सारे हैं। इसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अच्छा, दराज के अलावा भी कुछ इंस्टाग्राम पेजेस हैं जहाँ से आप बाय कर सकते हैं और ऑथेंटिक मेकअप के प्रोडक्ट्स आप वहाँ से भी बाय कर सकते हैं। लिंक्स मैं नीचे दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो लाजमी चेक कर लेना। स्वॉच आप चेक कीजिए, कितना खूबसूरत नेचुरल सी फिनिश देते इस तरह के लिक्विड ब्लशेस, तो आजकल तो मेरा ये मोस्ट फेवरेट है। प्राइस आपको सारे प्रोडक्ट्स की स्क्रीन पर नजर आ जाएगी। ओके जनाब, नेक्स्ट पार्सल देख लेते हैं कि नेक्स्ट पार्सल में क्या है। ये भी मुझे अंदाजा हो गया है इसके अंदर क्या है, काफी अच्छी बबल रैपिंग के अंदर रिसीव हुआ है। ये है मिस रोज की ट्रांसपेरेंट लिप ग्लॉस, जो कि काफी मुझे मुशक्कत उठानी पड़ी इसको अनरैप करने के लिए, क्योंकि काफी अच्छे से रैप हुआ हुआ था। और अच्छी जगह से चीज बाय करने का फायदा यही होता है आपको कि उसकी जो पैकेजिंग होती है वो बड़ी अच्छी होती है, बहुत सेफ एंड साउंड आपको चीज रिसीव होती है। तो ये जो लिप ग्लॉस है ट्रांसपेरेंट, ये बहुत ही ज्यादा काम की चीज है। जो लिक्विड आपकी मैट लिक्विड लिपस्टिक्स होती हैं बहुत ड्राई कर देती हैं आपके लिप्स को, लिप टॉपर के तौर पर इस लिप ग्लॉस को यूज कर सकते हैं। और मैंने अपनी मेकअप हैक्स की वीडियो में इस लिप ग्लॉस को यूज करके दिखाया है कि आप किस तरह से मल्टीपल तरीकों से ये ट्रांसपेरेंट लिप ग्लॉस यूज करके मजीद लिपस्टिक शेड्स बना सकते हैं या लिप ग्लॉसेस बना सकते हैं बहुत सारा। एक अगर एक ट्रांसपेरेंट आपके पास लिप ग्लॉस है ना, तो आपको और लिप ग्लॉसेस खरीदने की जरूरत ही नहीं है, इस एक से आप बहुत सारे मल्टीपल शेड्स बना सकते हैं। तो मेरी मेकअप हैक्स वाली वीडियो जरूर देखिएगा, अलग से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वो जाकर जरूर चेक कीजिएगा। अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट पार्सल देख लेते हैं। अच्छा जनाब, नेक्स्ट जो पार्सल है वो है ये वाला और ये मैं पहले से ओपन करके देख चुकी थी, बहुत ही अच्छी पैकेजिंग में मुझे रिसीव हुआ था। वही बात है ना कि जब आप अच्छी ऑथेंटिक जगह से चीज बाय करते हैं तो आपको पैकेजिंग बहुत अच्छी मिलती है और चीज आपको बिल्कुल सेफ मिलती है। अच्छा, पैकेजिंग खोलने के बाद मुझे यही डर था कि कहीं ये टूटी हुई डैमेज रिसीव ना हो, लेकिन बहुत ही अच्छे से पैकिंग में जब रिसीव हुआ तो ये देखें बिल्कुल सारी नेल पेंट्स जो है वो बिल्कुल सेफ है, ग्लास बॉटल्स हैं लेकिन फिर भी मुझे सेफ रिसीव हुई। एक इंस्टा पेज से बाय किया था, ये दराज से बाय नहीं की थी। बहुत ही ज्यादा वायरल नेल पेंट्स हैं ये और आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। इनके भी मैं आपको स्वॉचेस दिखा देती हूँ कुछ के, ये देखें बहुत ज्यादा क्वालिटी में अच्छी हैं ये नेल पेंट्स, लगाने में बहुत ज्यादा स्मूथ है।
बहुत ही इजी इसकी एप्लीकेशन है। जेल नेल पेंट्स कहलाते हैं ये, और आजकल बहुत ज्यादा वायरल है, ट्रेंड में है, तो मेरे कहने पर ये जरूर बाय कीजिएगा। 12 का पैक भी मिल जाता है आपको, 6 और 3 का भी पैक ये मिल जाता है ये नेल पेंट्स। ये मैंने एक इंस्टा पेज से बाय किया था, हर कॉस्मेटिक, और इनका भी मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं इनके पास, मेकअप के और भी चीजें अगर आप बाय करना चाहते हैं तो इनसे आंख बंद करके, इन पर भरोसा करके आप ले सकते हैं, क्योंकि मैंने काफी चीजें इनसे ऑर्डर की हैं, तो मेरा जो शॉपिंग एक्सपीरियंस था इनसे बहुत ही ज्यादा अच्छा रहा। ओके जी, देख लेते हैं नेक्स्ट पार्सल में क्या है। और नेक्स्ट पार्सल में जी बिल्कुल मैं समझ गई कि इसके अंदर क्या है। एक ऑर्डर की थी फ्लॉलेस हेयर रिमूविंग मशीन, जो कि बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, बहुत ज्यादा वायरल है। पेनलेस हेयर रिमूविंग मेथड जो है हम सबको चाहिए होते हैं। वैक्सिंग और थ्रेडिंग जो है वो थोड़ा सा पेनफुल मेथड है आप, और बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी है। आजकल इतना ज्यादा टाइम किसी के पास नहीं होता कि वो अपने फेशियल हेयर्स को रिमूव करने के लिए वैक्सिंग या थ्रेडिंग के लिए सैलून जा सके। तो बहुत ही ज्यादा अच्छा एक प्रोडक्ट जो है मार्केट में लॉन्च हुआ है, हैरत अंगेज, और बहुत ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस पे आपको ये मिल जाता है। प्राइस आपको स्क्रीन पर इसकी नजर आ रही है। अच्छा, इसकी मैं ऑलरेडी एक डिटेल रिव्यू वीडियो अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ। ये दराज हॉल वाली जो वीडियो है थोड़ी सी लेट हो गई, लेकिन ये प्रोडक्ट जब रिसीव होते हैं अनबॉक्सिंग रिकॉर्ड करने के बाद मैं इनको वीडियो को सेव करके रख लेती हूँ, और उसका रिव्यू है वो भी मैं साथ में रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो इसीलिए इसकी जो रिव्यू रिकॉर्डिंग है वो ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल पर, तो वो लाजमी जाकर देखना। अच्छा, इसके साथ आपको एक ब्रश भी मिलता है, साफ करना जरूरी है इसको मशीन को यूज करने के बाद। यूज करने का तरीका और इसके सफाई तरीका इसकी जो रिव्यू वीडियो है उसमें शेयर किया हुआ है, तो इसका रिव्यू लाजमी चेक करना। इस मशीन की जो रिव्यू वीडियो है वो इस वीडियो के एंड में मैं अटैच कर दूंगी, तो पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली इसकी जो रिव्यू वीडियो है वो सामने आ जाएगी ना, तो क्लिक करके आप लाजमी देखना। ओके जनाब, अब मैं दिखाने लगी हूँ बहुत ही क्यूट से मेकअप पाउचेस जो कि मैंने दराज से ऑर्डर किए थे। एंड लुक एट द क्वालिटी, ये वाले जो मेकअप पाउचेस हैं, इनको मैं मेकअप पाउच कह रही हूँ, लेकिन आप इनको बहुत मल्टीपल तरीकों से यूज कर सकते हैं, आप अपने ट्रैवलिंग में यूज कर सकते हैं। मैंने 4 का पैक ऑर्डर किया था, बहुत ही क्यूट है, यूनिकॉर्न पाउचेस हैं ये, और इसको आप अपने ट्रैवलिंग के दौरान बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। अपने टॉयलेट्रीज आप इसमें रखकर कैरी कर सकते हैं ट्रैवलिंग के दौरान, मेकअप का सामान अपना रख सकते हैं, इसके अलावा पर्सनल हाइजीन का आप सामान अपना जो है वो इसके अंदर कैरी कर सकते हैं, और इसके अलावा और बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं आप इसके साथ कैरी कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्पेशियस हैं। 4 का पैक मैंने ऑर्डर किया था, आप सिंगल भी ऑर्डर कर सकते हैं, बहुत ज्यादा अफोर्डेबल मिल गए थे, क्योंकि बहुत ज्यादा क्यूट है दिखने में और बहुत ज्यादा यूजफुल है, फंक्शनल है, तो मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेड है। क्वालिटी इनकी बहुत बहुत अच्छी है। ओके जनाब, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पार्सल की, और इस पार्सल का भी मुझे काफी ज्यादा इंतजार था। ये है एक स्टोरेज बैग, और ये काफी ज्यादा इस तरह के जो स्टोरेज बैग्स होते हैं यूजफुल रहते हैं, काफी स्पेशियस होते हैं, और काफी पॉकेट्स इसके अंदर दी हुई हैं। आप ये चेक कीजिए, ऊपर भी है, नीचे भी, और ये सेंटर में भी 2 पॉकेट्स यहाँ पर दी हुई है, और जिसके अंदर आप छोटी छोटी सी चीजें अपनी रख सकते हैं, चाहे आपका मेकअप का सामान हो, नेल आर्ट का सामान हो, या आपकी टॉयलेट्रीज हो। आप ट्रैवलिंग में इसको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, या वैसे भी आप अपनी चीजें अंदर सिक्योर करके सेव करके रख सकते हैं। ये देखिए, इसमें मैंने अपनी काफी सारी चीजें जो है वो इस तरह से स्टफ की हुई हैं। इट लुक्स लाइक ओवर स्टफ्ड, लेकिन आप इसको थोड़ा कम भी स्टफिंग करके इसमें चीजें आप सेव कर सकते हैं। इसमें सारी जो मेरी नेल पेंट्स और नेल आर्ट से रिलेटेड सामान थे, फेक नेल्स से, वो सब मैंने इसके अंदर डालकर जो है वो सेव किया हुआ है, ताकि अगर मुझे नेल आर्ट का करना हो काम तो मैं बस ये बैग निकालूं। इसके अंदर हर चीज है, नेल पेंट्स है, ग्लू है और फेक नेल्स है, हर चीज इसके अंदर मैंने रखी हुई है, स्टिकर्स भी हैं। व्हेनेवर आई नीड टू डू माय नेल पेंट्स या नेल आर्ट का काम, तो मैं इसको बैग को निकाल के इसमें अपना काम कर सकती हूँ। तो दिस इज वेरी यूजफुल प्रोडक्ट, इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और प्राइस आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। ओके जी, देख लेते हैं नेक्स्ट पार्सल। ये वाला पार्सल है इस तरह का बॉक्स में मुझे ये रिसीव हुआ था, बहुत ही अच्छी बबल रैप पैकेजिंग के अंदर ये रिसीव हुआ था। ये देखेंगे 3 कैंडल्स का ये सेट मैंने ऑर्डर किया था दराज से, जो कि काफी अच्छे मुझे पैकेजिंग में रिसीव हुआ। इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, और ये सेंटेड कैंडल्स नहीं है, ये नॉर्मल कैंडल्स हैं, लेकिन ये डेकोर में काफी अच्छी लगती हैं। ये मैंने अपनी वीडियोस के लिए मंगवाई थी। लुक एट द कलर्स, इसमें बहुत अच्छे कलर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। सिंगल भी बाय कर सकते हैं, जितने चाहे आप बाय कर सकते हैं। पहले मैंने ये जो कैंडल आपको नजर आ रही है पीछे, ये ऑर्डर की थी, सेंटेड कैंडल्स हैं। ये भी मैंने अपनी दराज हॉल वाली वीडियो में आपको दिखाई हुई है, लेकिन अब ये हो गई है खत्म, तो इसलिए मुझे चाहिए थी और कैंडल्स, तो मैंने ये वाली कैंडल्स मंगवा ली, जो कि बहुत अच्छी है क्वालिटी में। तो इनके भी प्राइस डिटेल आपको स्क्रीन पर नजर आ जाएगी, और लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जी जनाब, तो ये थी आज की वीडियो, और होपफुली आज की इस वीडियो में आपको जितनी भी मैंने चीजें दिखाई हैं वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। और भी मजीद शॉपिंग हॉल्स इंशाल्लाह आने वाले हैं अपकमिंग,
ह्यूज एक मेकअप शॉपिंग हॉल में लेकर आने वाली हूँ आप सबके लिए, तो उसके लिए भी आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। अच्छा, आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब के बगैर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राज शॉपिंग हॉल की एक पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे चैनल पर, तो मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट को जरूर चेक कीजिएगा। दराज शॉपिंग हॉल मेकअप प्रोडक्ट्स और मेकअप प्रोडक्ट के रिव्यूज से रिलेटेड, ट्यूटोरियल से रिलेटेड, हर कैटेगरी से रिलेटेड प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर बनी हुई है, तो वो प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब मैं करूंगी वीडियो को यहीं पर एंड और लूंगी आपसे इजाजत, फिर किसी और अच्छी वीडियो के साथ आऊंगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।